Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the quick revision of the translation. ठीक है, तो translation के quick revision के बारे में हम discuss करने वाले हैं इस video session में. तो मैं simple शब्दों की बात करूं, quick revision of the translation. ठीक है, तो translation के बारे में चलिए start करते हैं. तो translation क्या होता है? RNA से protein का बनना translation होता है. सिंपल शब्दों में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो ट्रांसलेशन में पहली चीज़ होती है रिकॉग्निशन सीक्वेंस. जैसे कि ओराई होता था आपका कहाँ पे? रिप्लिकेशन में. आपके पास प्रमोटर होते थे ट्रांसक्रिप्शन में. वैसे एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है राइबोसोम जब कहाँ पे बाइंड करेगा एमआरएनए पे, एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है. तो कौन सा रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है? या तो साइन डलगर्नो हो या कोजैक हो. साइन डलगर्नो होता है तो प्रोकैरियोट में, कोजैक होता है तो यूकैरियोट में. ठीक है, इसको स्कैन कौन करता है? राइबोसोम. रिकॉग्निशन सीक्वेंस को स्कैन कौन करेगा? राइबोसोम करेगा. ओके, चलिए आगे बात करते हैं आपसे. दैट इज कि आपके पास क्या आ जाएगा? अमीनो एसिटाइलेशन. द फर्स्ट स्टेप इज द अमीनो एसिटाइलेशन, मतलब टी आर एन ए को चार्ज करना है अमीनो ग्रुप से. जब तक टी आर एन ए को चार्ज नहीं करेंगे अमीनो ग्रुप से, तब तक मज़ा नहीं आएगा. ठीक है, तो चार्ज करना बहुत जरूरी है. अमीनो एसिटाइलेशन की बात करें तो अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ द टी आर एन ए, टी आर एन ए के किस एंड पे? एक्सेप्टर आर्म पे. जो सी सी ए एंड होता है, सी सी ए एंड एक्सेप्टर आर्म होता है, वहाँ पे चार्ज करते हैं अमीनो एसिड के 3' OH पे, सॉरी एडिनिन के 3' OH पे. एडिनिन के 3' OH पे टी आर एन ए के चार्ज करते हैं अमीनो एसिड को. अमीनो एसिड लिंक होता है यहाँ पे किस बॉन्ड से? एस्टर बॉन्ड से. एस्टर बॉन्ड से लिंक होगा और एक एटीपी डायरेक्टली एएमपी में कन्वर्ट होता है और दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करता है. मतलब कि इसमें कितने अमाउंट एनर्जी रिलीज हुई? दो एटीपी के बराबर, क्योंकि एटीपी पहले एडीपी में फिर एएमपी में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब दो एटीपी के बराबर एनर्जी यूज हुआ. तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज हुआ दो एटीपी के बराबर हुआ अमीनो एसिटाइलेशन में. नाउ इनिशिएशन की बात करें, अब ये अमीनो एसिटाइल कर लिए, टीआरएनए को चार्ज कर लिया अमीनो एसिड से, तो इनिशिएटर अमीनो एसिड के लिए आप पहला इनिशिएटर अमीनो एसिड जो कि प्रोकैरियोट में कौन होता है? प्रोकैरियोट में होता है फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन और यूकैरियोट में होता है मेथियोनिन. वो आता है फॉर आपका इनिशिएटर अमीनो एसिड पी साइट पे लेके आता है. ये आपको लाने के लिए कौन सा इनिशिएशन फैक्टर हेल्प करेगा? इनिशिएशन फैक्टर वन. ये क्या करेगा? ए साइट पे खुद बाइंड कर जाएगा और पी साइट पे कहेगा कि नहीं, आप पी साइट पे आइए. जो इनिशिएटर अमीनो एसिड होता है, सिर्फ और सिर्फ यही अमीनो एसिड होता है जो कि पी साइट पे आता है. उसके बाद 30S की बात करें, 30S जो सबमिट होता है वो फर्स्ट बाइंड करता है, फर्स्टली बाइंड करता है. इनिशिएशन फैक्टर कौन हेल्प करेगा? थर्ड करेगा. ये मैं प्रोकैरियोट को एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, यूकैरियोट को अभी मैं डिस्कस करूंगा. उसके बाद जैसे 30S हो गया, क्या होगा? अमीनो एसिटाइलेशन के लिए कौन हेल्प करता है? इस प्रोसेस जो अमीनो एसिटाइलेशन होता है इसको कौन हेल्प करता है? इनिशिएशन फैक्टर टू. अमीनो एसिटाइलेशन को इनिशिएशन फैक्टर टू हेल्प करता है. इलोंगेशन की बात करें तो इलोंगेशन में पहले डिकोडिंग होती है कि कौन सा एमआरएनए पे कोडॉन है, उसको डिकोड किया गया. डिकोड करने पे फिर उससे स्कैन करके उस एंटी कोडॉन जो कि टीआरएनए पे प्रेजेंट होता है उसको लेके आते हैं ए साइट पे. लेके आए उसको ए साइट पे, और ये लेके आने के लिए कौन सा इलोंगेशन फैक्टर काम करता है? ईएफटीयू. कितना अमाउंट एनर्जी यूज करता है? एक एटीपी के बराबर. उसके बाद होता है ट्रांसपेप्टिडेशन, ए साइट पे होता है. ट्रांसपेप्टिडेशन होगा ए साइट पे. ठीक है, ए साइट पे आएगा और पी साइट पे जो अमीनो एसिड मेथियोनिन था वो ए साइट के अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा एक एंजाइम एक्टिविटेड के थ्रू, जिसको बोलते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज. वो क्या करेगा? वो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है जो कि पी और ए साइट पे प्रेजेंट होते हैं. ट्रांसलोकेशन की बात करें तो ट्रांसलोकेशन होता है ए टू पी साइट. इसके लिए जो इलोंगेशन फैक्टर चाहिए वो ईएफडी चाहिए होता है, जो कि एक एटीपी के अमाउंट की एनर्जी यूज करता है. और टर्मिनेशन के लिए जो स्टॉप कोडॉन्स जैसे ही आएंगे वहाँ पर ये तीन फैक्टर्स, रिलीज फैक्टर 1, 2, 3 आएंगे और राइबोसोम की यूनिट्स लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स को अलग कर देंगे. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ये आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है. अगर मैं इसको और डिटेल लेके चलूँ, देखिएगा वन बाय वन पढ़िए. राइबोसोम कौन सा पाया जाता है आपके प्रोकैरियोट में? 70S. यूकैरियोट में 80S और 70S माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है. ओवरलैपिंग विद द ट्रांसक्रिप्शन, क्या ट्रांसक्रिप्शन के साथ ओवरलैप करता है? नहीं करता. इन द केस ऑफ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के केस में ओवरलैप करता है. स्टार्टिंग अमीनो एसिड जो होता है वो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ मेथियोनिन होता है. रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पे साइन डलगर्नो सीक्वेंस पाया जाता है और यहाँ पे कोजैक सीक्वेंसेस पाए जाते हैं.
पेप्टाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की एक्टिविटी जो होती है इसके पास 23 sRNA की होती है, जो कि राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट के साइट होता है ए साइट पे होता है, और यूकैरियोट में 28 sRNA होगा। इनिशिएशन फैक्टर जो होता है, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 होता है। यहाँ पे 1 का मैंने आपको काम बताया था क्या करेगा कि पहला जो इनिशिएटर अमीनो एसिड है पी साइट पे है, ये इंश्योर करेगा। सेकंड का काम होता है अमीनो एसिटाइलेशन वाला काम, और थर्ड का काम होता है कि 30S सब यूनिट पहले बाइंड करे उसके बाद आपका 50S बाइंड करे। तो ये इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 प्रोकैरियोट में काम करते हैं। यूकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर थोड़े से अलग होते हैं, कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह तरीके के होते हैं, मेनली 5 जो होता है उनका फंक्शन क्या होता है नोन है। बात करते हैं 1 के लिए, 1 के दो टाइप्स होते हैं, 1A और 1B। इसका नेचर एग्जैक्टली IF1 की तरह होता है, मतलब पहला वाला जो अमीनो एसिड है इनिशिएटर अमीनो एसिड पी साइड पे आना चाहिए, ये IF1 करता है। सेकंड की बात करें तो इसका सेकंड GTP बाइंड कराना और GTPase एक्टिविटी एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है जैसे कि IF2 काम कर रहा था, यहाँ पे GTP बाइंड करा रहा था और उस GTPase एक्टिविटी होता है। यहाँ पे 2A 2B का यही काम होता है। IF3 का काम होता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाना, इनिशिएशन आपके इनिशिएशन फैक्टर 3 GTP और tRNA को लेकर टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। 4 का काम होता है कैप की बाइंडिंग कराना, 4 के कई सारे A, G, E और F ये ऐसे पार्ट होते हैं जो कि कैपिंग जो होता है पॉलीएडेनाइलेशन जो होता है वो हेल्प करते हैं इनिशिएशन में, तो उसका एक डिटेल्ड मैकेनिज्म है। यहाँ पे मैं क्विक रिवाइज कर रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पे बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप अनएकेडमी पे आ सकते हैं। एंड बात करते हैं EIF इलॉन्गेशन फैक्टर 5A, ये इनेबल करता है कि लार्जर सब यूनिट बाइंड किया है कि नहीं किया है। तो ये आपके यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात हो गई। अब अगर बात करते हैं कि इनिशिएशन के बाद क्या होगा, इनिशिएशन के बाद होगा आपके पास इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन फैक्टर की बात करते हैं। इलॉन्गेशन में क्या होता है, इलॉन्गेशन की बात करें तो इलॉन्गेशन फैक्टर प्रोकैरियोट में EFTU EFTS EFG। TU का काम क्या होता है, लोडिंग ऑफ द चार्ज tRNA एट ए साइट, क्योंकि पी साइट पर सिर्फ इनिशिएटर अमीनो एसिड आता है, उसके अलावा जितने अमीनो एसिड आते हैं कहाँ पर आते हैं, वो ए साइट पे आते हैं, वो ए साइट पे आते हैं और GTP tRNA को लेके आएगा ए साइट पे। EFTS का काम होता है रीजनरेशन ऑफ द EFTU इलॉन्गेशन फैक्टर TU का रीजनरेशन करना, और G का काम होता है जो भी राइबोसोम्स होता है राइबोसोम में पी साइट और ए साइट, तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड का चेन होता है इसको ट्रांसलोकेट करना EFG का काम होता है A to P, क्योंकि ए साइट को खाली करना रहता है क्योंकि नए अमीनो एसिड को फिर से लेके आना है, ठीक है, नए tRNA विथ अमीनो एसिड को लेके आना है, तो इसलिए नए ए साइट को खाली करना है तो उसको ट्रांसलोकेट करेंगे पी साइट पे। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। नाउ इसी सेम मैनर में यूकैरियोट में जो इलॉन्गेशन फैक्टर पाए जाते हैं 1A 1B एंड 2। 1A का काम एग्जैक्टली सिमिलर टू द TU कि वो लोडिंग करेगा नए चार्ज tRNA को ए साइट पे। 1B का काम होता है रीजनरेशन ऑफ द 1A, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द AFTS, ठीक है। और EIF2 की बात करें तो सेम एज द EFTG, दैट इज ट्रांसलोकेशन के लिए ये यूज होता है, ट्रांसलोकेशन के लिए यूज होता है पी साइट टू ए साइट टू पी साइट, ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन के लिए। एंड टर्मिनेशन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं UAA UAG एंड UGA, ऑकर एम्बल ओपल। अब बात करते हैं ये रिलीज फैक्टर RF1 रिकॉग्नाइज करता है UAA एंड UAG को, एंड रिलीज फैक्टर 2 जो होता है UGA को रिकॉग्नाइज करता है, एंड RF फैक्टर 3 जो होता है ये रिकॉग्नाइज करके रिलीज कर देते हैं राइबोसोम यूनिट को, और इनके रीजनरेशन या रीसाइक्लिंग के लिए रिलीज फैक्टर 3 यूज किया जाता है, जो कि RF फैक्टर 3 को रीसाइकल या रीयूज करता है। नाउ इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स इसी तरीके से ERF, स्मॉल ई का मतलब है यूकैरियोट, रिलीज फैक्टर 1, यूकैरियोट रिलीज फैक्टर 2, यूकैरियोट रिलीज फैक्टर 3, तो ये यूज होते हैं रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2 एंड रिलीज फैक्टर 3, एंड फंक्शन इसी तरीके से होता है, ये रिकॉग्नाइज करेगा इसको, ये करेगा इसको और ये करेगा इनको रिसाइकल। तो एग्जैक्टली दिस इज द क्विक रिविजन ऑफ द ट्रांसलेशन। अगर आप बेसिक पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे बताना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से क्विक रिविजन सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, कोई एजुकेटर नहीं बताएगा, किसी कोचिंग में नहीं बताया जाता, ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इससे ज़्यादा बहुत स्पेशल क्लासेस आपको मिलती हैं अनएकेडमी प्लस। तो अनएकेडमी प्लस पे आइए गाइस और ज्वाइन करिए लाइव क्लासेस मेरे, एंड आई कैन गारंटी यू डेफिनेटली कि आप 100, अगर आप मेरे बातों को फॉलो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे बातों, मेरे नोट्स और मेरे सेशंस को फॉलो करेंगे, आई कैन ईजिली गारंटी
कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं CSIR। एंड जब भी आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करते हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रिफरल कोड दैट इज़ द VIREN, दैट विल गिव यू द 10% डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन।